ठीक है, तो आईज में अपन 3 पॉइंट लेते हैं, एक ये टिप, एक ये ऊपर वाला और एक ये एंड पॉइंट। ओके, तो तुम्हें पता है कि हवा में पॉइंट कैसे लेते हैं। ये वाला पॉइंट इस लाइन के कितना ऊपर है, 0.5 सेंटीमीटर, इस लाइन के कितना राइट है, 1 सेंटीमीटर। कौन सा पॉइंट हो गया, ये 6.5, 6.5 ये रहा। तो इस पॉइंट पे 0.5 सेंटीमीटर ऊपर और इसके 1 सेंटीमीटर राइट, ठीक है। फिर ये नीचे वाला पॉइंट देखो, इस लाइन से थोड़ा ऊपर है लेकिन कितना राइट है इस पॉइंट से, ये है 1.2 सेंटीमीटर, ये 1.2 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने 2 पॉइंट मार्क कर लिए। अब मेरा आता आखिरी पॉइंट, वो इस लाइन से थोड़ा नीचे है और इस लाइन से 1 सेंटीमीटर दूर है। ओके, तो ये यहाँ आएगा। तुम्हें 3 पॉइंट मिल गए, अब तुम्हें क्या करना, हल्के से कर्व के साथ इसे ज्वाइन किए, ठीक है। हल्के से कर्व कह रहा हूँ मैं, सी शेप नहीं बोल रहा, हल्के से कर्व के साथ इसे ज्वाइन किया, ठीक है। हल्के हल्के कर्व के साथ कर रहे हैं ये सब। फिर हल्के से कर्व के साथ जहां इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट से नहीं, जहां इस लाइन को क्रॉस कर रही है, देख सकते हो यहां से आ रहे हैं, यहां से करते हुए बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना, हल्का सा ही रखना है अपन को कर्व, और यहाँ ऐसे उठा देना, ठीक है। इसके अंदर फिर आयरिस आएगी, तो आयरिस ऐसे गोल नहीं बनाना, यहाँ पे कर्व आएगा हल्का सा आराम से, यहाँ पे कर्व आएगा हल्का सा आराम से। ये ऊपर वाला अपन थोड़ा ऐसे डार्क कर लेंगे ऐसे, और फिर इसके अंदर अपन प्यूपिल बना देंगे। ओके, अब इसके बाद देखो तुम्हें जो ऊपर कवरिंग है, ये वाला जो कर्व आ रहा, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा और ये ऐसे कर्व होते होते गया, ये भी थोड़ा ऊपर उठा इस तरीके से, और ये पीछे थोड़ा ऐसे कर्व होते होते गया। फिर ये आगे की तरफ बढ़ा अपना, ये देखो ये आंखों के नीचे वाला जो कर्व है, ये ध्यान रखना ये एकदम डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये थोड़ा आगे बढ़ा, फिर ऐसे धीरे से कर्व होते होते इधर आया है। ओके, इस तरीके से जो ऊपर ये लाइंस दिख रही है, जैसे तुम चाहो तो वो बना सकते हो। ओके, लेकिन ये लाइटली ड्रॉ कर, अपनी जो मेन आई थी वो अपन इस तरीके से ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। तुम इसमें एक और चीज कर सकते हो, जैसे ये लाइंस दिख रही तुम्हें, तो तुम ये और बना सकते हो, ये जो इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है ना कि कहाँ कहाँ अपनी हैचिंग है, कहाँ कहाँ नहीं है, थोड़ी तरीके से ये बना सकते हो, वरना नहीं बनाना हो तो इतना भी काफी है आई के लिए, इतना बना लो। अपन को ऊपर वाले बाल बनाने हैं, ओके, तो अपन एक रफ शेप दे दो, ठीक है, किसी को जरूरत नहीं है कि तुम पहली बार में एकदम एक्यूरेट दो। तुम्हें बाल स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, लाइन नंबर 4 से, लाइन नंबर 4 कहाँ, यहाँ है, ठीक है, इस तरीके से। तुम इस तरीके से देखना, मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन के भरोसे फिर इस पॉइंट की तरफ ले गया। अब मुझे पता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइन नंबर 6 को, वो लाइन नंबर 1 को ज्वाइन कर रहा है, फिर कर्व करते करते इस पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 9.3, मैं ये पॉइंट मार्क करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे बाल यहां से निकल रहे, इससे पहले कहां निकल रहे, ये कौन सा 8.2, मैंने ये मार्क किया। ओके, तो मैंने ये 2 पॉइंट मार्क करे, मैंने क्या देखा कि बाल जो है यहां तक पहुंच रहे और फिर हल्के हल्के इधर से आके निकल रहे, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये लिया आराम से ऐसे कर्व करते करते ले गया, ये यहां पहुंच गया मैं। अब मैं यहां से एक और कर्व उठाऊंगा, ये दिख रहा तुम्हें, ये है अपना पॉइंट, कौन सा, ये 5.3, 5.3 ये रहा, इसके बगल से ऐसे कर्व करते करते एक और पॉइंट उठाया मैंने। तो ये बालों का एक स्ट्रैंड जो रहता है, अपन ने एक पोर्शन बना लिया, क्यों, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस पोर्शन था, ये देखो ये ब्रेक है, जैसे लहरें जो दिख रही है तुम्हें, ये ब्रेक है, ये जो हिस्सा, ये बालों का हिस्सा नहीं है, ये खाली है, ये बैकग्राउंड है, बाल ये है। तो मुझे जहां ब्रेक दिख रहा, तो मैं यहां से कर्व लाया और यहां ले आया वापस, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूं, ये कौन सा पॉइंट होता है, 6.3, 6.3 के ऊपर से ऐसे पीछे से लाया, ये आगे ऐसे ले गया और इधर ऐसे ज्वाइन कर दिया। तुम देखो, मैं पीछे लाया, ये आगे ले गया और यहां ऐसे कर्व के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये हिस्सा एक कंटिन्यूस कर्व है, ये जो आते हैं ना बालों के आंखों पे एक बड़े से स्ट्रैंड आते, तो ये हिस्सा एक कंटिन्यूस कर्व है। अब तुम्हें यहां से उठाना है, कहां से,
यहाँ से, तुमने यहाँ से ऊपर ऐसे उठाया, कर्व करते करते इन पॉइंट्स को क्रॉस करना है तुम्हें धीरे धीरे। किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें एक बार में पूरा कर्व करना है, ओके, कोई जरूरत नहीं है। तुम धीरे धीरे ऐसे अपने आप शेप दे सकते हो ऐसे धीरे धीरे। अब तुम्हें पता है यहाँ नोज के पास आके रुक रहा है इधर पे, तो तुम्हें यहाँ धीरे से ऐसे कर्व करना, ओके, हल्का सा ये थोड़े ऐसे आगे आ गए। यहाँ पे देखो बीच बीच में भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं अपन ने इस तरीके से, और यहाँ ये जो आगे भाग रहे हैं तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, तुमने इतने में अपने बालों का एक बेसिक शेप बना लिया, इतना तुम्हारे लिए आउटलाइन के लिए काफी होता है। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं थोड़े आगे निकलते हुए तुमने इस तरीके से बनाए, ये थोड़े ऐसे ऐसे बनाए धीरे धीरे, ओके, बस इतना काम। तुम्हें पता है कि इतने में अपन बाद में, क्योंकि अभी भरने का फायदा नहीं है क्योंकि तुम अभी ग्रिड इरेज करोगे ये, ठीक है, तो ग्रिड इरेज करोगे तो वैसे भी इरेज हो जाएंगे, तो तुम्हें एक आइडिया लगाने के लिए काफी होगा कि यहाँ से बाल आ रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे चलो, मुझे पता है थोड़ा एक कंटिन्यूएशन में है, लेकिन एक साइड के बाल समझ लो। ये देखो ये भी सेम है, ये एक स्ट्रेट आया, ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, मैंने जैसे अभी आईब्राउ बताए थे ये तीन पार्ट, फिर एक कर्व के साथ ये हिस्सा ऐसे ज्वाइन करता, तो एक पोर्शन बाल का अपना लीनियर था, एक अपना कर्व था। सेम चीज यहाँ ऐसे, फिर ऊपर, और फिर ये कर्व के साथ आया, ठीक है। बीच में अपन को जो हैचिंग दिख रही है बाल इधर उधर जाते हुए ऐसे उल्टा सीधा यहाँ वहां, वो अपन बाद में बनाएंगे। अभी जरूरी क्या है, अपन को एक शेप देना, ठीक है। यहां से ऐसे बाल जा रहे आगे, यहां से बाल ऐसे आ रहे नीचे। तो तुमने क्या किया, तुमने एक बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी जल्दबाजी के या फिर बिना बहुत ज्यादा डिटेलिंग के तुमने एक बालों का अच्छा खासा शेप दे दिया, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, अभी तुम्हें इतना बना के दिखाना है, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, मैंने इतना बताया अंदर अंदर क्या तुम्हें ये दिख रहे होंगे, जैसे मान लो ये लेता हूं मैं एग्जांपल, यहां से ऐसे ऊपर गए, ये कर्व हो गया, देखो इसके अंदर एक और कर्व है ऐसे, ये ऐसे ज्वाइन हो रहा है, फिर यहां से एक और कर्व आता है पीछे की तरफ वाला जो इस कर्व को ज्वाइन करता है, यहाँ एक और कर्व आता है, ये देखो एक और कर्व जाके यहाँ ज्वाइन हो रहा है। तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है खुद से कि ये कर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे आके एंड हुआ, यहाँ से एक और कर्व आ गया, यहाँ से एक और कर्व आया। तुम्हें खुद से आइडेंटिफाई करना है अब कि कौन सा कर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और कितनी डिटेल्स दे रहा है, जैसे यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और ऐसे जा रहा है। तो ये मैंने बालों के अंदर की जो डिटेल्स है, तुम जो ये इतने हैचिंग देख रहे हो कि कहाँ पे लाइट है, कहाँ डार्क है, कहाँ बहुत डार्क है, वो इस तरीके से आता है। तो तुम्हें अभी बेसिक शेप बना के दिखाना है, और ये जो मैंने बताया वो तुम्हें इसके अंदर भी बनाना है, इसके अंदर भी एक्यूरेटली तुम्हें स्केल का यूज करना है, स्केल का करो, ठीक है। तुम्हें एकदम बाल ऐसे रख के कि ये यहाँ है तो ये यहाँ होगा, ऐसे करना है तो करो, लेकिन तुम्हें ये देना है क्योंकि ये आ जाता है अब तुम्हारा प्रिसिजन वर्क, ठीक है। इससे तुम्हारा प्रिसिजन वर्क बढ़ेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, तुम्हारा प्रेसिजन वर्क भी बढ़ेगा, तो इतना करो, ठीक है। ओके सर। तो अब ये जो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला एरिया है, ये देखो एक सी शेप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक सी शेप आ रहा है, तो वो सी शेप यहाँ आ रहा है इस तरीके से, ये टच करते हुए सी शेप यहाँ आ रहा है, ओके, इस तरीके। अब सी शेप पूरा नहीं है कि यहाँ से भी उतनी गैप दे रहे हो, तो नहीं, यहाँ से ऐसे सी शेप यहाँ पे फिर यहाँ। अब तो मैंने बस क्या करना, नीचे ले जाना है, तो ये थोड़ा आगे निकलेगा और नीचे जा रहा है, ठीक है। तो कितना नीचे जा रहा है, लाइन नंबर 8 को क्रॉस कर रहा है, सबसे पीछे वाला लाइन नंबर 8 को टच कर रहा है। तो ये कहाँ से है, ये है यहाँ से 4 आगे निकला, ऐसे कर्व करते करते धीरे से धीरे धीरे लाइन नंबर 8 को टच किया, ठीक है। ये थोड़े बाहर की तरफ जा रहे हैं, देखो ये वाला कर्व ड्रॉ किया है मैंने, ये अब देखो ये धीरे धीरे बाहर भी जा रहे हैं, तो ऐसे वी शेप है, जैसे ये वी शेप आया, ये कर्व है और ये धीरे से ऊपर आ गया, इसे टच नहीं कर रहा ऊपर, ये बीच में गायब है, ठीक है। फिर ये एक वी शेप आया, ऐसे ऐसे कर्व होते होते धीरे से ऊपर और ऐसे हो गया, ठीक है। फिर नीचे आ रहे हैं, तो ये वी शेप ही वी शेप दिख रहे होंगे, तो तुम नीचे है इस तरीके से, फिर ये ऊपर, तुम्हें पूरा ऊपर नहीं टच करना, तुम्हें बस ऐसे बीच में छोड़ देना। फिर इस वाले पे आते हैं, ये देखना तीसरा वाला अपन पॉइंट नंबर 9 3.9 को टच कर रहा है, तो तीसरा वाला अपना ऐसे आए,
एक ही आ गया, एक ही कर्व होते होते यहाँ आ गया, और एक फिर ये आ गया कर्व होते होते। एक आए ईयर को टच कर रहा है छोटा वाला, तो यहां से एक कर्व आएगा इस तरीके से और ऐसे। या तो अब अपना आता है ये वाला अंदर का। देखो बहुत ज्यादा कुछ टेंशन का काम नहीं है तुम्हें, बस क्या करना, जैसे ये अंदर की तरफ कर्व गया ऐसे ऊपर यहाँ, ये नीचे से, ये तुम्हारा दिख रहा, ये तुम्हारा ऐसे नीचे से गया, ये तुम्हारा ऊपर गया कर्व, फिर ये बाहर की तरफ चेहरे की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारे ये जो स्ट्रोक है ये आराम से चेहरे की तरफ ऐसे धीरे से आने चाहिए। यहाँ से उठा, ये हल्का सा चेहरे की तरफ आ गया, ये आया हल्का सा चेहरे की तरफ। तुम्हें भर भर के नहीं बनाना, ठीक है, इतने में अपना काफी। तुम्हें बस ये नीचे जो कर्व है, जैसे ये आ रहा नीचे कर्व, तो तुमने ये कर्व वैसे हल्का सा ड्रॉ कर दिया। ये अपना एस शेप आ रहा है, तो अपन ने एस शेप जो है इस तरीके से कर्व कर दिया, ठीक है। ये पीछे की तरफ जा रहे बाल बस। तो ये वाला एरिया तो अपन बाद में जब हैचिंग करेंगे तब बना लेंगे, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। तो तुम्हारा इस तरीके से बहुत आसानी से इस वाले स्केच की आउटलाइन ड्रॉ हो जाती है, खासकर हेयर्स की, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।